मैं भी था आपने क्लास में, पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है। सही है, कितने जनों को याद नहीं रहता? रेज योर हैंड, डोंट शेम। अच्छा, शेम शर्म करने की कोई बात है, हम भी, मैं भी जब आपकी उम्र था मैं भी पढ़ता था, तो मुझे भी पढ़ा हुआ याद नहीं रहता था। पढ़ते थे, पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है। अच्छा, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, वो क्या करते हैं? यार मेरा फ्रेंड यार सुबह 4 बजे उठ के पढ़ता है, उसको वो कहता है मुझे अच्छा याद होता है। तो आप क्या करते हो? आप भी 2-3 दिन सुबह 4 बजे उठते हो, जबरदस्ती उठते हो, बोले आपकी इच्छा नहीं होती, आप 4 बजे उठते हो, यार वो पढ़ रहा था मैं भी पढ़ूंगा, उसको याद हो रहा था मेरे को भी याद हो सकता ना है। तो आप भी 4 बजे उठ के 3 या 4 दिन पढ़े करते हो, फिर भी आपको याद नहीं होता। फिर आप क्या करते हो? यार मजा नहीं आया। फिर ओके, यार मेरा एक फ्रेंड यार रात को 12 बजे तक पढ़ता है और सुबह 8 बजे उठता है, 1-2 बजे पढ़ता है। तो आप भी क्या करो? उसका इमिटेट नकल करो। यार ठीक है यार, मैं भी रात को 12 बजे पढ़ता हूँ। ठीक है, आप भी 3 या 4 दिन तक रात को 12 बजे तक पढ़ते हो, लेकिन फिर भी वही बात होती है आपको, यार फिर भी पढ़ो हुआ याद नहीं रहता है। फिर आप देखते हो यार मेरा यार फ्रेंड यार नोट्स बना के पढ़ता है, मैं भी नोट्स बना के पढ़ता हूँ, फिर भी आपको याद नहीं रहता है। तो एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, आप किसी की कॉपी क्यों करते हो? यू जस्ट थिंक कि आपको क्या अच्छा लगता है, आपको किस टाइम में पढ़ने के लिए अच्छा लगता है, आपका मन किस वक्त पढ़ने में लगता है, ये देखिए ना। दूसरे फ्रेंड की आप कॉपी क्यों करते हो? उसको हो सकता है उसको 4 बजे अच्छा याद होता है, इसलिए वो सुबह 4 बजे उठता है। दूसरा फ्रेंड को रात को 12 बजे तक पढ़ना है, रात को उसको अच्छा याद होता है, इसलिए वो रात को पढ़ता है। अरे आप अपने बारे में सोचो कि आपको किस वक्त पढ़ना अच्छा लगता है, कॉपी मत करिए। अगर आप दूसरों की कॉपी करोगे ना तो कॉपी करने में ही रह जाओगे आप, और आपका फ्रेंड और आपके सब पार्टी आपसे आगे निकल जाएंगे एग्जाम में। और आप क्या करोगे? आप कॉपी करोगे, अरे यार उसने तो इतना पढ़ा मैं पढ़ ही नहीं पाया। इसके अलावा मैं एक चीज और ध्यान रखता हूं, मैं सोच रहा था अभी 3-4 दिन पहले जब मैं आपकी एज में था तब हमारे टीचर आते थे, हम बुक्स खोलते थे, टीचर कहते थे कि बुक्स ओपन योर बुक्स, हम बुक्स ओपन करते थे, कौन सी पेज पे कौन सा चैप्टर था वो बता देते थे, वो बुक्स के हाथ नहीं लगाते थे, वो हमें से ही पूछते थे बताओ आज कौन सा चैप्टर पढ़ाना है, हम कहते सर आज ये चैप्टर पढ़ाते, वो बुक्स में कुछ नहीं करते, वो मार्क्स लेते और पढ़ाने लगते थे। इट इज सेम टू सेम पॉइंट, सब कुछ पढ़ाते थे हमको, हर हम बुक से मिलान करते थे। यार सर को यार ये सब कैसे याद, कैसे पता है? आप पढ़ते हो, लेकिन अगर आप किसी को पढ़ाओगे ना तो पढ़ाई हुई चीज और आपकी पढ़ी हुई चीज में 100% डिफरेंस है। आप किसी एक टॉपिक को लेना और इस टॉपिक को दूसरे को समझाना, वो आप कभी नहीं भूलोगे। और एक टॉपिक को अगर आप पढ़ोगे ना तो आप हो सकता है वो भूल जाओ। इसलिए ध्यान रखना कि किसी को पढ़ाए ना। अब आप कहोगे सर कि हम तो स्टूडेंट, हम किसको पढ़ाए, हम तो चलो ठीक है चैप्टर ले लिया। और मैं एक बात और कहता हूं, आपको चैप्टर समझ में नहीं आए कोई बात नहीं, आपको चैप्टर समझ नहीं आ रहा है, आप उस चैप्टर को 10 बार पढ़ाओ, वो चैप्टर आपको समझ है, लेकिन आप उस चैप्टर को रट जाओगे और आप रट जाओगे। अब आप कहोगे सर हम पढ़ाए किसको, हमारा तो कैसे स्टूडेंट ही नहीं, हम किसको पढ़ाए? आप अपने कमरा तो होगा आपका, आप कमरे में बुक्स लीजिए और इमेजिन करिए कि सामने मेरे स्टूडेंट बैठे हैं और बुक्स हाथ में ले लीजिए और उस चैप्टर को बच्चों को पढ़ाइए। यूं समझे मेरे सामने बच्चे बैठे, बच्चों को पढ़ाइए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन ये भी पढ़ाइए। दावा है मेरा, ये एक प्रयोग आप करके देखना, अगर वो चैप्टर अगर आपको याद नहीं होना तो मैं, मेरे को आप कॉल करना सर वो चैप्टर याद नहीं हो रहा। इसीलिए अगर आप किसी को पढ़ाएंगे ना तो वो आपको ज्यादा याद है। अभय सर आपके जानते होंगे, बार बार बुक देखते हैं क्या, चैप्टर याद है इनको, याद है कि नहीं याद है? स्पीक कैसे, हाउ कंसिस्टेंसली, कितने टाइम से पढ़ा रहे हैं, तो याद तो होना ही। अगर आपको अगर किसी टॉपिक पे अच्छी गहरी पकड़ करनी है ना तो आपको उसको सब पहले समझना है और फिर उसको पढ़ाना है। इमेजिन करो दूसरों को पढ़ा रहे हो, आप पढ़ाओगे तो वो टॉपिक आपको सबसे ज्यादा याद है।